एक अजीबोगरीब मामले में बैंकॉक में रहने वाले एक शख्स का प्राइवेट पार्ट ताले में फंस गया, जिसके बाद उसे डॉक्टरों की मदद से निकाला जा सका। शख्स ने करीब 2 हफ्ते दर्द झेलने के बाद अपनी मां को इस बात की जानकारी दी और तब जाकर महिला अपने बेटे को अस्पताल ले गई। हालांकि जब तक ताला हटाया गया तब तक देर हो चुकी थी और इस शख्स का प्राइवेट पार्ट हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। इस शख्स का नाम है जाहिर। जी हाँ, हालांकि जानकारी के मुताबिक शख्स सिंगल है और अपनी मां के साथ रहता है। शख्स की मां के मुताबिक उनका बेटा अपने अकेलेपन से परेशान है, इसलिए वह ताले का इस्तेमाल मास्टरबेट करने के लिए कर रहा था। बल्कि वह पहली बार नहीं जब उसने ताले का इस्तेमाल किया। शर्म की वजह से इस शख्स ने अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं की, लेकिन 2 हफ्ते तक प्राइवेट पार्ट ताले में फंसे रहने की वजह से संक्रमण बढ़ गया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक कटर जैसे उपकरण से ताले को काटना पड़ा। इस शख्स की सर्जरी करीब आधे घंटे तक चली। हालांकि इस दौरान शख्स का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और तब वह हमेशा के लिए खराब हो गया। शख्स का अभी भी इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज अभी भी दर्द से है। हालांकि पेन किलर्स देकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मास्टरबेशन करना कितना भारी पड़ गया ये आप इस खबर से समझ सकते हैं।